हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लैब टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी है राजस्थान में, वो कब तक आएगी, इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, इन तमाम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, ये मेडिकल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, टोटल 65,000 पोस्ट की वैकेंसी है। ये वैकेंसी अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की अलग इसको सेपरेट करूँ तो इसमें फ्रेंड्स मेडिकल ऑफिसर नर्स ग्रेड सेकेंड, नर्स ग्रेड सेकेंड की भी है न, और हॉस्पिटल केयरटेकर की है। मैं बात करता हूँ लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स 900 पोस्ट है ये वैकेंसी। कौन करवाता है इसमें अब अलग से कुछ देखने को मिलेगा। ये एजेंसी है जो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, जो मींस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाती है। फ्रेंड्स मैं जितने भी अभी तक वैकेंसी देखी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो भी अपीयरिंग वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो जब तक हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तब तक आपकी जो भी डिग्री या डिप्लोमा है, इंटर्नशिप वगैरह सब मिला के आपकी पूरी ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तक जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। इस ईयर के लास्ट में या अगले ईयर में आने वाली है, तब तक आपकी एग्ज़ाम हो जाएंगे, तब तक इंटर्नशिप रहेगी, तब तक आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपने इस फाइनल ईयर पर लगे रहे, जितनी जल्दी हो सके क्लियर करने की कोशिश करो, और जो नेगेटिव है उस पॉइंट पर ध्यान नहीं दो, जैसे कि आप एलिजिबल नहीं होगे, आप अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते थे। बिल्कुल फ्रेंड्स, जब नहीं भरते थे उसमें जिसमें आप 70% आपको डिप्लोमा और 12% पे और 30% आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता। अब फ्रेंड्स अलग हटकर आती है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं उसमें आपको एलिजिबल किया जाएगा अपीयरिंग वालों को। फ्रेंड्स पहले क्या होता था, इसमें लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आती थी उसमें आपके 12th के परसेंटेज एंड डिप्लोमा या डिग्री में जितने भी परसेंटेज होता उसका एग्रीगेट निकल जाता 70% एंड 30% आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे, टोटल 100% होता था उसके बेसिस पे आपका सेलेक्शन किया जाता था। लेकिन फ्रेंड्स अब कुछ इस वैकेंसी में हटकर देखने को मिलेगा, वो है एग्ज़ाम, जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पे आपका सेलेक्शन किया जाएगा। फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही सही है, आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके बेसिस पे आपको ले रहे हैं। तो उसमें पिछली वाली वैकेंसी है उसमें कुछ फर्जी एक्सपीरियंस डिग्री ऐसे लेकर उसमें सिलेक्शन ले लिए गए। तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी जल्दी आप आने वाली है, इसमें इस वीडियो पर मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लगे रहें अपीयरिंग वाले, जल्दी आपकी फाइनल ईयर डिप्लोमा डिग्री जो भी है इसको क्लियर करने की कोशिश करें। आप बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपीयरिंग वाले एलिजिबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।